मैं ना रैंडमली कन्नौर रुका था इत्र की नगरी में और ये चेक करो गाइस। राम जी की नगरी आई है तो पटाखे तो बनते हैं ना। अरे फुल पावर यार, चल तो लो यार आगे ब्रो, रुक यार, रोक रो भाई, चल लो यार। रेस डायनेमिक लखनऊ पे फाइनली मीटअप हो रहा है गाइस, ये हमारा यूपी का पहला मीटअप होगा तो हम लोग इस हिसाब से प्लान कर रहे हैं। सतीश जी सुप्रा के बिना नहीं निकाल पाएंगे हम लोग। So hey guys, good morning, welcome back to the new episode guys. आज इस episode की शुरुआत हो रही है कन्नौज। And guys कल रात हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे और वो चेक करो। Full power। पानी कहाँ से आ गए सुबह सुबह? मिलते हैं 10 मिनट में मिल रहे हैं। Thank you so much भाई, शुक्रिया, thank you so much. So, हम लोग फाइनली हो चुके रेडी एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड फ्रॉम कन्नौज गाइस। हम लोग कल रात कन्नौज रुके थे, एक्चुअली सुबह के 4 बज गए थे एंड हम लोग ना बहुत ज़्यादा थक गए थे तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग हाईवे पे कहीं होटल ले लेते हैं। एंड जिस होटल में हम लोग रुके थे वहाँ का स्टाफ चुम्मेश्वरी गाइस, प्लस होटल का खाना बहुत अच्छा था, प्लेस भी बहुत अच्छी है। एंड द थिंग इज यूपी में हम लोग एंटर हो चुके हैं, यूपी के लोगों से मोहब्बत क्रेजी है। आज हम लोग लखनऊ पहुंच जाएंगे। लखनऊ इज गोना बी अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर्स, 120 किलोमीटर रेस डायनामिक लखनऊ है गाइस। मुश्किल से मुश्किल 2 घंटे, मुझे लगता है दुश्मन कितने, 2 घंटे क्या रितिका तुम वहाँ जा रही हो क्या, हॉलीवुड की कोई मूवी शूट के लिए? लग तो रही हो, कैमरन डियाज लग रही हो। क्या लग रही हो? कैमरन डियाज। वो क्या होता है? हॉलीवुड एक्टर है। तुम्हें बहुत पता हॉलीवुड एक्ट्रेस? मैं हॉलीवुड मूवीज देखता हूं ना, दैट्स व्हाई। कौन सी बोल रहा? मैं एक दिन बॉलीवुड मूवी देखने गया, बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी भाई, वो देसी फिल्म होती है दुष्यंत। थैंक यू सो मच, माय हेरिटेज। सो यार हम लोग हेरिटेज रुके थे, कौन से एरिया पड़ते हैं ये? अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, MG रोड, कन्नौज। बहुत अमेजिंग स्टाफ, बहुत अमेजिंग होटल, दे लिटरली यू नो उन्होंने बहुत अच्छे से हमें ट्रीट करा, बहुत अच्छे से मैनेज करा। जब भी आप लखनऊ जा रहे होंगे तो बीच में अगर आपको होटल चाहिए होगा, होटल हेरिटेज सर्च कर लेना गूगल मैप पे, एंड देयर सर्विसेज एंड स्टाफ इज अमेजिंग गाइस, लिटरली मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, ये दिल वाली तारीफ है आप लोगों की। थैंक यू। ओके बॉयज, मैंने आपको अपने अंदर वाले होटल स्टाफ से तो मिला लिया, बाहर भी कुछ लौंडे अपने सुबह से वेट कर रहे गाइस। एंड धूप हो रही थी तब भी यू नो लाइक दे वर स्टैंडिंग सिंस मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगता है यार, स्पेशली यूपी से बहुत बहुत लोग प्यार करते हैं। चले वहाँ देखो, सुबह से घर है यार, सुबह से सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ से निकलने की होगी गाइस, कि हम लोग यहाँ से निकलेंगे कैसे। फिलहाल अभी मर्च मंगा रहे गाइस और मर्च देते हैं लॉन्डो को। तो यार रेडी हो चुके हैं, मुझे ना ऐसे दुख 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 वाली फीलिंग आने लग जाती है जब हम लोग यूपी से निकल रहे होते हैं, फिर मुझे पता रहता है कि हम रोडों पर क्या हाल होने वाले हैं। वो तो बेस्ट चीज़ ये है कि धीरे धीरे इलेक्शन ना सब जगह खत्म हो ही गए। आया भूसा हो चुकी है, कोल्ड स्टार्ट एंड वी आर ऑल सेट टू गो। सुप्रा करते हैं कोल्ड स्टार्ट एंड देन वी विल लीव। Boys, we are ready to move. Oh, bro, say nice here. Okay, यार तो सबसे पहले ना हमारी सुपरा निकलेगी, because सुपरा का ground level ना बहुत low है।
बट ये ना जाम हो जाएगी, हम लोग नहीं निकल पाएंगे मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से। क्या ले, बढ़िया, कैसे भाई, बढ़िया, आज ले लो भाई, क्या ले, बढ़िया। हाँ सतीश जी, सुप्रा के बिना नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, क्या ले, बढ़िया। दुष्यंत ने काम करो भाई, मुझे नहीं लगता निकल पाएंगे, बहुत भीड़ है, रास्ता ब्लॉक हो जाएगा बाहर निकलते निकलते तक, नहीं निकल पाएंगे। क्या ले भाई, बढ़िया, कैसे हो, बढ़िया भाई, विदाउट पुलिस नहीं निकल पाएंगे यहाँ से। क्या ले भाई, कैसे हो, बढ़िया, कैसे हो भाई, बढ़िया। ओके गाइस, आई डोंट थिंक सो हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे विदाउट पुलिस प्रशासन, भाई विदाउट पुलिस एस्कॉर्ट नहीं निकल पाएंगे, बहुत रोड जाम। एक नंबर बातचीत हरियाणे का छोरा, बुला लिए तू जितने भी गैल बदमाश, तेरे कार्ड देंगे छह फीट जो भी जोड़ा थोड़ा। यार हम लोग बाहर निकलने को निकले थे बट बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है बाहर, इसीलिए हम लोग वापस अंदर आ गए, सुप्रा नहीं निकल पाएगी गाइस। एंड हम लोग ना हाईवे से ऑलमोस्ट लाइक 10 किलोमीटर अंदर एक रैंडम गांव कन्नौर में रुके हैं, मेरा फर्स्ट टाइम है कन्नौर यूपी में, बट क्रेजी लड़के हैं भाई अपने। अभी फिलहाल एस्कॉर्ट को फ़ोन कर रहे हैं, पुलिस एस्कॉर्ट आएगी वही निकालेगी, बिकॉज उसके बिना पॉसिबल नहीं यार। ओके गाइस, बाहर भीड़ हो चुकी है तो फिर अभी हम लोगों ने पुलिस को बुलाया, पुलिस को इंटीमेट दे दिया। अभी फिलहाल सबसे मेन कलेश सुप्रा को निकालने का होगा, क्योंकि सुप्रा को नीचे उतारने के लिए ना एक बेस है जो कि इतनी हाइट पर है, तो हम लोगों ने थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके देखी है। क्लियर करो यार भाई, प्लीज यार साइड में जाओ यार, चल तो लो यार, आगे ब्रो रोक यार, रोक रहे हो भाई, चल लो यार, चलते रहो यार। अरे यार क्या बातें कर रहे हैं भाई यार, चलते रहे यार। यहाँ पर निकलते हैं इस भीड़ से यार, अगर यहाँ भीड़ फंसी तो गए फिर नहीं निकल पाएंगे रित्तिक, अगर यहाँ पर भीड़ पर फंस गए तो वो आगे रह लिया, नहीं निकल पाते अब नहीं निकल पाते, गए फंस गए। ओके यार, आप लोगों को पता है मैं ऑल इंडिया राइड पर था एंड मैं ना रैंडमली कन्नौर रुका था इत्र की नगरी में, और ये चेक करो गाइस, भाई हमारा लखनऊ इवेंट है, फटाफट फोटो करवाएंगे और निकलेंगे।
क्रेजी। इत्र की नगरी में पहली बार स्वागत हुआ हमारा, खत्म कर दिया भाई। इतना प्यार लोगों ने, मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था इतने का, यहाँ पर इतने सारे लोग मिलेंगे भाई। इत्र की नगरी से बहुत प्यार मिला, थैंक यू सो मच। एक टाइम पे निकलना मुश्किल हो गया था बट फाइनली निकल चुके हैं गाइस। आ भाई कल डिफेंस बेसिस ऑन, मजे ही मजे, लेट्स गो, चलते हैं लखनऊ, चलते हैं फुल पावर। ओके गाइस, हम लोग फाइनली निकल चुके थे एंड थैंक यू सो मच कन्नौर, मीट अप फॉर श्योर नेक्स्ट टाइम रखेंगे हम लोग। बट अभी हम लोग हाईवे पे आ चुके हैं तो अभी हम लोग अप्रोक्सीमेटली आप लोग चेक कर सकते हैं गाइस 100-110 की स्पीड पे चल रहे हैं, स्पीड लिमिट 120 यहाँ पर हाईवे पे, तो हम लोग आराम से ट्रैवल कर रहे हैं। बट हाईवे पे चलते हुए ऋतिका से क्वेश्चन दिमाग में आया, ऋतिका अगर हम हाईवे पे चल रहे हैं, सही है, अगर हम लोग हाईवे पे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं तो हम लोग 60 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? कैलकुलेटर यूज कर सकती हूं मैं? नहीं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या हम लोग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं तो 60 मिनट में कितना किलोमीटर ट्रैवल करेंगे जल्दी? एक तो बहुत सिंपल आंसर है, गाइस 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं तो 60 मिनट में कितना ट्रैवल करेंगे? 120 बोल लो। 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर ये तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए बट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना गाइस सही आंसर क्या है। फिलहाल के लिए गाइस वी आर एंटरिंग लखनऊ, पहुंच चुके हैं एंड अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे सीधा रेस डायनेमिक लखनऊ, बिकॉज जिन्हें पता है उन्हें पता है कि मीट अप कहाँ पर होने वाले हैं थोड़ी देर में। अभी यहाँ से रेस डायनेमिक लखनऊ ऑलमोस्ट लाइक आधा घंटा और लगेगा, फट 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 चलते हैं, मिलते हैं आपसे वहाँ पर। क्या हाल है सिस्टम, क्या हाल चाल? हाँ जी, ये चेक करो, फाइनली नीतीश भैया के पास पहुंच चुके हैं लखनऊ। ये नहीं चेक करो अभी, कल चेक करना जो मीटअप में होगा वो। रेस डायनेमिक लखनऊ पे फाइनली मीटअप हो रहा है गाइस, फाइनली हमारा मीटअप हो रहा है रेस डायनेमिक लखनऊ पे। या यूपी का मीटअप और आपके पास ना, ऐसे कैसे सकते हैं? दिल मतलब सब यकीन मानो, हाथ रखो बड़ा कहीं था जैसे तुमने। हाँ मतलब अनुराग का मीटअप भाई साहब कैसे होगा? अभी हम लोग, मैं अभी जो ये व्लॉग डालूंगा उसमें पता लगेगा कन्नौर में क्या हुआ है, बट ये हमारा यूपी का पहला मीटअप होगा तो हम लोग इस हिसाब से प्लान कर रहे हैं। लोकेशन टाइमिंग सब कुछ आपको फाइनल कर देंगे गाइस इंस्टा पर, देख रहे हैं। सुबह उठ नहीं पा रहा हूँ, 5 बजे लड़के कॉल कर रहे हैं, कहाँ थे? 300 किलोमीटर दूर से। चार हमने भैया तुम खाली मीटअप बाबू भैया से मिलने आओ, कह रहे हैं हाँ भैया आना कब है? हमको खुद नहीं पता कब आना है, हम बता देंगे। मतलब लोग क्रेजी हैं, पागल हैं, मतलब बहुत प्यार करते हैं गाइस यूपी से लोग। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, बस मीटअप की लोकेशन कर दे अपडेट, कर दी जाएगी थोड़ा खबर करो बोलो अपने। क्या भैया ये तो पूरी गली नहीं पूरी कॉलोनी पैक हो जाएगी। अभी कुछ अता पता नहीं, देखो फिर भी नीचे देखो भीड़ लगने लगी, मतलब अभी कुछ भी नहीं डाला कहीं भी नहीं। इस व्लॉग के बाद आई नो लोगों का प्यार बहुत होगा, बट यूपी से जितने भी लोग देख रहे हैं ना गाइस मिलते हैं और सिस्टम हैंग करेंगे मस्त एकदम, क्योंकि ये यूपी का पहला मीटअप होने वाला है। आप लोग बोलते हैं यूपी में मीटअप रखो, यूपी में मीटअप रखो, सो वी विल बी ऑर्गेनाइजिंग अ मीटअप इन यूपी। डिटेल्स मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी हम लोगों को 2-3 घंटे की मीटिंग करनी पड़ेगी, पूरा प्लान देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ मीटअप कैसे कैसे करते हैं। फिलहाल के लिए तो मैं जा रहा हूँ इस मीटिंग के लिए, लोकेशन डिसाइड करने के लिए इंस्टाग्राम पर सारी अपडेट मिल जाएगी। ये वाला व्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग व्लॉग पसंद आएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बी सेफ एंड राइट सेफ एंड भाभी इज आल्सो भाभी नमस्ते। नमस्ते, पहाड़ कब चल रहा है? पहाड़ है, मुझे यहीं रहने दो। पहाड़ नहीं, वहां ना केदारनाथ, केदारनाथ वहां के दर्शन की तुम्हारी पूरी। मैं आपको बोला ना आपको ऐसे दर्शन होंगे यू विल बिलीव इट, आपको मजा आएगा। पागल कलू रसी दलू जन जानी करी फसी दलू है।